नमस्कार, स्वागत है आपका रोहिलखंड समाचार में। मैं हूं आपके साथ शीतल ठाकुर। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों का। रक्षाबंधन के मौके पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बहनों को सौगात देते हुए उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों में सफ़र मुफ्त की सौगात दी है, ताकि बहनें समय से पहुंचकर अपने भाइयों को राखी बांध सकें। जैसे कि रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो वहीं सभी बहनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक उपहार दिया गया है, जिसमें सभी बहनें निशुल्क बस में सेवाएं दे सकेंगी, जा सकेंगी और अपने भाइयों को राखी बांध सकेंगी। तो वहीं आज गांव पहुंचे हैं हम, जहां हमारे साथ मौजूद है क्षेत्रीय सहायक प्रबंधक कपिल वार्ष्णेय जी। इनसे हम जानकारी लेंगे और जानेंगे कि जो योगी सरकार ने जो महिलाओं को ये तोहफा दिया है, उसको लेकर इनके निगम के द्वारा क्या कुछ तैयारियां की गई। जी सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, जैसे कि रक्षाबंधन का त्यौहार है, महिलाओं को उपहार दिया गया है, तो उसमें क्या कुछ तैयारी दीपक द्वारा की गई है? माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी द्वारा महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और एक उपहार महिलाओं को जो है रक्षाबंधन पर दिया गया है, जिसके तहत 21 तारीख की रात 12 बजे से 22 तारीख की रात 12 बजे तक महिलाओं को निःशुल्क यात्रा उपलब्ध कराई जाएगी। जो भी महिला इस बीच में कहीं भी किसी स्टॉपेज से बैठेगी और जहाँ तक जाएगी जो है उतने स्थान तक के लिए उनको मुफ्त यात्रा प्रदान की जाएगी। और इसके लिए हम लोग सैनिटाइज करा के बसें भेजेंगे, महिलाओं को बसें उपलब्ध कराएंगे जो है, 2 गज की दूरी, मास्क जो है जरूरी, इसका पालन कराएंगे, जिससे कोविड के लिए सुरक्षा प्रदान हो आम जनता के लिए और महिलाओं को सुरक्षित रूप से उनके गंतव्य को पहुंचाएंगे। सर, जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने घोषित भी किया है कि पुलिस प्रशासन की भी जो कि महिलाएं हैं उनके लिए सुरक्षा रहेगी, पुलिस प्रशासन भी गश्त करेगा। जी, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था हमेशा रहती है हम लोगों के साथ जो है, और यहाँ पिकेट भी रहती है। सभी लोगों को, महिलाओं को हम लोग काउंसलिंग करके बताते भी हैं कि किसी प्रकार की सुविधा हो, 1090 एक महिला हेल्पलाइन नंबर है, वो भी हम लोगों के पास उपलब्ध रहता है जो है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या महिलाओं के लिए सुरक्षा की दृष्टि से नहीं आएगी। सर, रामपुर से कितनी बसें कल रवाना होंगी और कहाँ कहाँ क्षेत्र में जाएंगी? हमारे यहाँ 63 बसें हैं जो है, जिसको हम लोग हर क्षेत्र में रवाना करेंगे। प्लानिंग कर रखी है, जो लंबी दूरी की सेवाएं हैं उनको हम शॉर्ट ट्रिप से जोड़ रहे हैं। शाहबाद है, बिलासपुर है, बरेली है, मुरादाबाद है, और उसके अलावा मौके पे हमारी पूरी टीम मौजूद होगी। कल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सभी लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, जिसमें जहाँ की भी यात्री या महिलाएं हमारी उपस्थित होती हैं, जहाँ की भीड़ होती है, वहाँ मौके पर निर्णय लेकर बसों को प्रस्थान किया जाएगा। ये तो हमारे साथ कपिल वार्ष्णेय जी, उन्होंने बताया कि कोविड की गाइडलाइंस का पालन करते हुए बसें रवाना होंगी, बसों को सैनिटाइज किया जाएगा, मास्क का इस्तेमाल किया जाएगा और पुलिस प्रशासन की भी पूरी मुस्तैदी यहाँ रोडवेज पे देखी जा सकती है, जहाँ पुलिस भी गश्त कर रही है। और मुख्यमंत्री का ये तोहफा सभी बहनों के लिए मुख्यमंत्री ने जो दिया है, वह सारी बहनें कल जो कि रक्षाबंधन के दिन फ्री में सफर कर सकेंगी। मेरे सहयोगी साथ मैं शीतल ठाकुर, रोहिलखंड समाचार, रामपुर।